सभी का स्वागत है भाई एक और नए क्वेश्चन में। और ये जो चैप्टर है ये होने वाला है आप लोगों का सर्कल्स। तो भाई फिलहाल ये जो चैप्टर है आप लोग देख सकते हो सर्कल्स, और ये क्लास 10 का चैप्टर सर्कल्स है जो कि चैप्टर नंबर 10 है। और ये जो क्वेश्चन है भाई आप बोल सकते हो कि भाई अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अगर दे दिया जाता तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा भाई क्या दे दिया नहीं दे दिया है। हाँ हालांकि अगर मैं आपको बोलूँ कि रेफरेंस क्वेश्चन लिया कहाँ से है तो मैं एक बार आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया। ये आपका एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 10.2 से क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ शायद से क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को कंफर्म याद नहीं, बट हाँ वही क्वेश्चन है। और भाई यहाँ पर ये आप बोल सकते हो कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपको एक प्रॉपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपको एमसीक्यू के ऑप्शंस वगैरह डालकर आपको लग रहा होगा कि एमसीक्यू है। तो बिना टाइम वेस्ट ये फटाफट से जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर क्या दिया है, इफ टेंजेंट्स पी है भाई ये आपका सर्कल से क्वेश्चन है, इसका मतलब हम लोग एक सर्कल तो कंफर्म बनाना ही पड़ेगा। तो फिगर बना लेते भाई थोड़ा मोड़ा अपना, तो एक सर्कल जो है कोई सर्कल का, अरे वाह भाई क्या सर्कल बनाया, तो एक सर्कल भाई मैंने बहुत तगड़ा सा सर्कल बनाया जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बहुत ही सही सा सर्कल है। अब यहाँ पर भाई देखो क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर दिया क्या भाई अच्छे से पहले वो क्लियर देखो, दिया है कि टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, पहला बात तो यहाँ पे एक सेंटर होगा ठीक है, सेंटर ओ मान लेते हैं, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, ये पी है ठीक है। अब बोला है कि टेंजेंट्स पी ए फ्रॉम पी ए और पी बी, पी ए पी बी पॉइंट ए, पॉइंट पी यहाँ पर आपका होगा ठीक है, पॉइंट पी है, यहां से टेंजेंट्स निकल रहा है यानी कि आपका एक टेंजेंट्स तो जो है वो ऐसे निकलेगा इस तरीके से सीधा जाएगा और एक टेंजेंट जो है वो इस तरीके से जाएगा ठीक है। पहला टेंजेंट को हम लोग पी ए बोल देते हैं, दूसरे वाले टेंजेंट को हम लोग पी बी बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये टेंजेंट्स है जो भाई पी ए और पी बी है, यहाँ पर हम लोग को बोला है इसको ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा ना, ये आपका ऐसे ज्वाइन भी होगा ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा है टेंजेंट्स पी एंड पी बी, पी ए और पी बी यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी है अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो आप लोगों को लग रहा हो क्या डायग्राम बना दिया कैसे बना दिया, देखो कुछ नहीं भाई सर्कल बनाना ही था, और पी से जो टेंजेंट है, टेंजेंट हम लोगों को पता ही क्या होता है, तो वही तो मैंने बनाया, सिंपल सा चीज और कुछ नहीं है। अरे इंक्लाइन टू इच अदर, इंक्लाइन टू इच अदर आप बोल सकते हो कि एकदम अगर इनको फोल्ड करें तो सेम चीज है, तो यहाँ पर आपका एक लाइन में खींच देते हैं सेंटर से ठीक है, ये आपका पी ओ हो गया, ये लाइन आपको थोड़ा कर्व्ड, ये लाइन थोड़ा सा ऐसा है, मतलब कुछ सीधा मत समझना, ये जो लाइन है ना ये ऐसे है इस तरीके से है ठीक है, थोड़ा बेंडेड लाइन है। तो ये आपका लिख रहा है कि जो एंगल ना टू ईच अदर एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब कि पी ए और पी बी जो है दो टेंजेंट्स है जो कि मिलकर जो है ना यहाँ पर एक 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लाइन टू ईच अदर एंगल ऑफ नहीं, दोनों जो है ना एक जगह पर आकर सट रहे, यानी कि दोनों जो है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना वो उनका 80 डिग्री, यानी कि ये जो आपका पूरा पूरी एंगल है ये आपका कितना का है 80 डिग्री का, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये आपका 80 डिग्री का एंगल है दोनों पूरा पूरी ठीक है, यानी कि ए पी बी बोल सकते हो या फिर बी पी ए बोल सकते हो, आप जो भी जवाब बोल सकते हो, ये आपका जो है वो दिया हुआ है कितना 80 डिग्री का है। तो आपको बताना है कि जो पी ओ ए यानी कि पी ओ ए इसका एंगल क्या होगा। देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आपको जो है इतना आसान मत लेना इस क्वेश्चन को, हाँ आसान है बट भाई इतने आसानी को मत लेना कि यार एमसीक्यू ऑप्शन देता तो बहुत आसान है, तो उस तरीके से सॉल्व मत करना। अब यहाँ पर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन लिखते हैं यार कि अपन लोगों को गिवन क्या दिया हुआ है ठीक है, गिवन देखो गिवन क्या किया है, अब क्योंकि भाई ये जो है हम लोगों का टेंजेंट है पी ए और पी बी, तो इसलिए ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा ओपी के, ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ए पी के, और यहां पर ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके पी बी के, पी बी क्यों होगा भाई परपेंडिकुलर, हम लोगों ने एक थ्योरम भी भाई पढ़ा हुआ है और वो थ्योरम लिया है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आपको पता होगा भाई कि रेडियस है ये, तो रेडियस है ना ये रेडियस है, और जब ये किसी टेंजेंट को जो है वो काट रहा होता है यानी कि बाइसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे मतलब आप बोल सकते हो कि किसी भी टेंजेंट के ऊपर जब कोई रेडियस पड़ता है ना तो वहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप खुद देखो ना भाई यहाँ पर है इसको मैं सीधा खींच दूं ऐसे, मैं सीधा खींच दूं इसको ऐसे, और यहाँ से एक एंगल जो है 90 रेडियस आ रहा है, तो ये कितना ही एंगल का बना 90 डिग्री तो बन रहा है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी केस है। आप यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि एक थ्योरम है बेसिकली कि जब भी कोई रेडियस किसी भी टेंजेंट के ऊपर पड़ता है तो वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर मैंने सेम चीज वही लिखा हुआ है, हम लोग चाहे तो इसको थोड़ा सा एंगल वाइज लिख सकते हैं, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है क्यों इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आप ये लिख देना ठीक है, रेडियस मैं आपको रीजन नहीं बता रहा हूँ, रीजन चाहता आप लिख सकते हो भाई बुक में रीजन है, और आप मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ही लिखो। यहाँ पर ओए परपेंडिकुलर एपी का मतलब क्या है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू 90, एंगल बी इज इक्वल टू 90, इसका मतलब हुआ ये ठीक है, ये रीजन नहीं है भाई इसका, ये चीज याद रखना कि इसका रीजन नहीं है, जिससे हम लोग लिख सकते, और यहाँ पे मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ और,
हम लोग इसको गिवन, ये दोनों ही गिवन है, जैसे मैंने अलग फॉर्म में आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से लिख दिया है, बस इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझने तो होगा नहीं। अब ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये जो एंगल है ये 90 है, ये एंगल भी 90 है, कैसे आइडेंटिफाई किया, जब भी कोई रेडियस टेंजेंट के ऊपर पड़ता है तो 90 डिग्री बनाता है, जो कि मैंने आपको ये चीज सबको ध्यान पे रख देना है, नहीं तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये नहीं बाकी कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा आपको इसके थ्योरम वगैरह नहीं पता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो यार, आपके दिमाग में ना एक घंटी बजा होगा, घंटी ये बजा होगा कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्राइंगल किसी भी एंगल से नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार ये कैसे कैसे ट्राइंगल में चार साइड कब से आने लगे भाई, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, और हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो सम्स होते हैं ना, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो 360 होता है, तो हम वही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वही से स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल, ऐसे मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, पी ए ओ बी ऐसे लिख लेता हूं, पी ए ओ बी, इस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो अब यहां पर देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ज्यादा बड़े बड़े एंगल्स लिखने से भाई टाइम और वेस्ट हो जाएगा, आप लोग भाई अच्छे से टाइम वाइम लगा के पूरा एंगल का नाम लिखना, जैसे कि अगर पी है तो बी पी ए, ए है तो पी ए बी, ऐसा लिखना। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी करेंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 360 डिग्री। क्यों मिल जाएगा भाई, ये सबको पता है आप लोगों को, मैं फिर भी रीजन लिख दे रहा हूँ, ए एस पी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर भी आप सभी को पता है, फिर भी लिखते हैं। अब यहाँ पर भाई फटाफट से जो एंगल के वैल्यूज है उसको हम लोग जो है वो भर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहूँ तो बड़े बड़े नाम लिख सकता था, बट भाई पता नहीं क्यों मैंने छोटे छोटे लिखे। एंगल पी पूरा पूरी एंगल जो कि 80 डिग्री हम लोग गिवन है, एंगल ए 90 है जस्ट हम लोगों ने ऊपर गिवन में लिखा, एंगल ओ हम लोगों को पता नहीं है वही तो निकालना है, और एंगल बी भी जो है वो 90 है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो स्टेप वाइज कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट एंगल ओ का वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो कितना होगा 360 है, और यहाँ पर देखो 90 90 180 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम साइड में करते थोड़ा सा, यहाँ पे 180 90 90 180 हुआ, और यहाँ पे अलग सा 80 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग और 80 को प्लस कर दे तो यहाँ पे 260 हो जाएगा। ठीक है, और जब 360 में से 260 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, तो स्मार्टली आप वर्क करो, यहाँ पे 100 डिग्री लिख दो, बस ये आप इसको डब्बे में डाल दो ताकि बाद में आप कभी याद रख सको कि आंसर आपने यहाँ पे निकाला है। बस एंगल ओ यानी कि आपको ये पूरा पूरी एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल जो है यहाँ पे आपको मिल गया है 100 डिग्री का। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब देखो भाई, हम लोग दो काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करने के लिए, या तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये जो एंगल, ये जो पीओ है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ओ को, तो ये जो एंगल है ये आधे आधे बढ़ जाएंगे, एंड देयरफॉर आपका ये जो पीओ ए है ये 50 डिग्री हो जाएगा। ये शॉर्टर प्रोसेस है जो कि दो मार्क्स के लिए यूज कर सकते हो, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो भाई है क्या, क्योंकि पीओ जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो है आपका एक लाइन है और बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए भाई इसका एंगल का जो भाई 100 डिग्री है ये आधा आधा बढ़ जाएगा और आपका आंसर 50 डिग्री आ जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो भाई आप प्रॉपर, क्योंकि हम लोग तीन मार्क्स के लिए कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉपर रीजन से करेंगे, वरना भाई एग्जाम में मार्क्स वगैरह कट सकते हैं। अब यहाँ पर भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउ। ठीक है, हम लोग क्या पता कि तक हम लोगों ने लिख दिया एंगल, उन लोगों को मिल गया है, बट एंगल ओ के मिलने से हम लोग काम नहीं चलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पी ए ओ ट्राइंगल लेंगे, पी बी ओ ट्राइंगल लेंगे, दोनों को जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के साथ साथ हम लोग जो है ना क्या करेंगे, एंगल आपका जो यहाँ पर जो दिया हुआ है पी ओ ए यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इसको भी इक्वल कर देंगे। अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं टू से, वो आप लोग समझ आओ कैसे। ठीक है, तो फटाफट से पहला दूसरा काम करते स्टार्ट करते हैं, मैं लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों कैसे किया हम लोगों ने। ट्राइंगल चूज करते हैं फटाफट से, इन ट्राइंगल पी ए ओ PAO, और दूसरा ट्राइंगल आपने देखो PBO है। ठीक है, फटाफट से एक लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पर जो है ज्यादा कुछ तो प्रूफ करना नहीं है हम लोग को, यहाँ पर मैक्सिमम चीज जो है वो हम लोग को दिया हुआ ही है कि आपका जो एंगल A और एंगल B है वो 90 डिग्री के है, एंगल A इज इक्वल टू, आप पूरा पूरी नाम लिखना, ठीक है, वरना आपके शायद से मार्क्स वगैरह कट जाए, इसलिए पूरा पूरी नाम लिखना हर एक एंगल का। ठीक है, ईच 90 है। अब यहाँ पर देखो PO यानी कि OP और ये जो है इक्वल साइड्स होंगे, OP OP कॉमन, यहाँ पर रीजन डालना पड़ता है वरना भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओपी ओपी कॉमन हो गया, और हम लोग पी ए और पी बी को भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं, नहीं ओ ए और ओ बी कॉमन होगा, पी बी को पी नहीं होगा, क्योंकि यार ओ ए और ओ बी का रीजन भी हम लोग लिख सकते हैं, ओ सॉरी ओ ए, ओ ए बराबर किसके है, ओ बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस है, वो रेडियस है ना भाई, सेम सर्कल का तो रेडियस है ना, दोनों का तो इक्वल लेंथ होगा क्योंकि वो सेम रेडियस, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है, मैं लिख देता हूँ भाई, ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, कौन से रूल से हुआ, बाई दो साइड है, एक ये है तो एस ए एस रूल। बस ये चीज करने के बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ कर देंगे कि एंगल पी ओ ए जो है वो बराबर है पी ओ बी के,
क्योंकि हम लोग को भाई पूरा एंगल दिया है ना, हम लोग को तो आधा आधा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये एंगल्स को जो है वो सीपीसीडी से प्रूफ करेंगे। एंगल पी ओ ए, यहाँ पे देख लो मैं लिख दे रहा हूँ, पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, क्यों बराबर है सीपीसीडी, और क्या सीपीसीडी जिंदाबाद भाई, लाइफ सेवर है। चलो भाई सीपीसीडी से अब ये चीज हो गया, अब यहाँ पर ही भाई फटाफट से कर देते हैं सॉल्व बाकी का जो क्वेश्चन है बेकार में भाई, क्यों करना है रब वगैरह। ठीक है अब देखो भाई, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने पहला तो ये एंगल निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि हम लोगों को निकालना ही था वो एंगल, और दूसरे में हम लोग ट्राइंगल्स को क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, कि हम लोगों को 3 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है, 2 मार्क्स के लिए करना, तो हम लोग बोल सकते हैं बाइसेक्ट कर रहा तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब ये दोनों प्रूफ कर दिया है, तो एंगल पी ओ ए प्लस पी ओ बी जो है वो हम लोग को पूरा पूरा एंगल दे देगा। ठीक है एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ पीओ है ना, हाँ पी ओ बी, ये आपको क्या दे देगा पूरा पूरी, ये पी ओ ए है पी ओ बी है, तो ये आपको पूरा पूरी एंगल ए ओ बी दे देगा। बस यहाँ पर अब जो है आपका क्वेश्चन जो है आएगा, ए ओ बी हम लोगों ने जस्ट अभी निकाला है जो कि आपका 100 डिग्री, अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो भाई आप यहाँ पे ए ओ बी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि भाई ये पी ओ ए और पी ओ बी इक्वल है, तो मैं किसी एक को 2 बार लिख सकता हूँ, और 2 बार नो लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एंगल पी ओ ए ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए बराबर है आपका एंगल ए ओ बी, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 100 डिग्री, इसके लिए निकाला था 100 डिग्री, और वैसे भी बाइसेक करेगा तो भाई 50 ही आएगा, तो हम लोग जस्ट मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा दिखा दिया और एंगल पी ओ ए इसलिए 50 डिग्री निकल गया। ठीक है क्योंकि यार यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड में गया यहाँ पर, तो 50-50 निकल गया, इस तरीके से हमारा जो है हो गया। यहाँ पर फाइनली हम लोग को पी ओ ए का वैल्यू मिल चुका है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या था, पी ओ ए निकालना था, और हम लोग को क्या पता है पी ओ ए और पी ओ बी बराबर है, हम लोगों ने जस्ट सीपीसीडी से प्रूफ किया है, तो दोनों पी ओ बी जो है 50 डिग्री होगा, पी ओ बी 50 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि यार हम लोगों ने भाई क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या सॉल्व किया और हम लोगों ने क्यों सॉल्व किया। हम लोगों का भाई क्वेश्चन पूछा था कि पी ओ ए क्या है, पी ओ ए यानी कि ये जो छोटा सा एंगल है वो क्या है, तो वो तो निकाल सकते थे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल नहीं, इसलिए हम लोग क्या करना था पूरे पूरे गिवन को देख के हम लोग देखे कि यार ये तो क्वाड्रिलेटरल है बड़ा सा, और हम लोग को 3 वैल्यूज गिवन है, तो चौथा वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब जब चौथा वैल्यू निकाल लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए लोग बोल सकते हैं कि बाइसेक्ट करो तो 50 डिग्री हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में 2 बार देगा ना, नहीं तो अगर 3 मार्क्स के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, सो दैट यार कि यार आपका ये एंगल और ये एंगल सीपीसीडी से इक्वल प्रूफ हो जाए। अब ये दोनों एंगल जब इक्वल प्रूफ हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों को बड़े बड़े एंगल के इक्वल हम लोग दिखा सकते हैं, और जब बड़े वाले एंगल के इक्वल दिखा देंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए जो है वो उसके एंगल के बराबर होगा, और हमारा 2 जब उधर जाएगा डिवाइड में तो आपको 50 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भाई छोटा सा क्वेश्चन था, और आपके भाई बुक में जो मतलब हमारे बुक में जो ऑप्शन ए है जो 50 डिग्री, यही इसका आंसर आई हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, समझ आ गया, वीडियो लाइक कर देना, मिलते किसी दूसरे सर्कल्स की वीडियो में, अगर आपको कोई डाउट है तो भाई फटाफट से कमेंट कर दो।